हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं डॉक्टर आशा गावड़े गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट उमंग हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से Uh, मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स है रेगुलर व्यूवर्स है उनके लिए बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक लेके आई हो मेनली उसका नाम रहेगा कि uh, आपको अगर सेक्स करने का डिज़ायर नहीं हो रहा है या सेक्स करने की इच्छा नहीं हो रही या सेक्स करने का आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है जिसको हम लोग लॉस ऑफ लिबिडो बोलते तो वो क्यों होता है उसके क्या क्या कारण हैं और उसके लिए क्या क्या इलाज है ये आज हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है तो जो सेक्स करने का प्रोसीजर है मेनली बहुत सारे कपल्स जो हैं ये चीज़ों के ये प्रॉब्लम की वजह से परेशान रहते हैं ये प्रॉब्लम में लोग काफ़ी सफ़र हो रहे लेकिन वो खुल के घर के लोगों के साथ या डॉक्टर के साथ भी बात नहीं कर पाते तो मेनली उनमें हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाते तो सेक्स करने का इंटरेस्ट नहीं रहता है या सेक्स करने की इच्छा ही नहीं होती बोथ पार्टनर के लिए फॉर मेल एंड फीमेल या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं डॉक्टर आपका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं अभी आपका फॉलिकल अच्छे से ग्रो हुआ है डॉक्टर वो फॉलिकल रप्चर होने का इंजेक्शन आपको लगाते हैं और आपको सेक्स करने को बोलते लेकिन तभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको सेक्स करने की इच्छा ही नहीं होती या सेम आपके हस्बेंड के लिए एप्लीकेबल रहता है या उनको सेक्स करने की इच्छा नहीं होती और आपका वो सेक्शुअल जो प्रोसीजर होना है वो वर्कआउट नहीं होता और आप प्रेग्नेंसी में भी आगे नहीं बढ़ पाते तो ये जो लॉस ऑफ लिबिडो बोलते हम लोग कि आपको सेक्स करने का डिजायर क्यों नहीं होता है उसके क्या क्या कारण हैं? तो उसको हम लोग एक तीन इसमें डिवाइड करते हैं पहला जो आता है कि फ़िज़िकल फिज़िकल यानी आप में अगर कुछ प्रॉब्लम है आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट है या बहुत ज़्यादा अंडरवेट है आप फिज़िकली ख़ुद को कुछ अलग फील कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपको ये कॉम्प्लेक्स रहता है आप आपके पार्टनर्स के साथ फिजिकल रिलेशन में कंफर्टेबल नहीं रहते और उसकी वजह से आपका सेक्स का डिज़ायर कम होता है या आप सेक्स नहीं कर पाते फिर दूसरा आता है मेडिकल प्रॉब्लम जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाइपर प्रोलैक्टिन बोलते हम लोग एक प्रोलैक्टिन करके हारमोन है जो अपना सेक्स करने का डिजायर रेगुलेट करता है तो वो हार्मोन अगर बढ़ गया तो उसकी वजह से भी आपको सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है फिर अगर आप अनकंट्रोल डायबिटीज के पेशेंट हो अनकंट्रोल थारॉयड के पेशेंट हो तो उसकी वजह से भी आपको सेक्स करने की इच्छा नहीं रहेगी या फिर आप अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एंटी डिप्रेसेंट या कोई एंटी साइकोटिक मेडिसिन अगर ले रहे तो उसकी वजह से भी आपका सेक्सुअल डिजायर कम हो जाता है क्योंकि आप वो जो ड्रग्स है वो आपके ब्रेन को रिलैक्स करते हैं और उसकी वजह से आपका सेक्स का डिज़ायर कम हो जाता है आप अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हो या कोई ड्रग के एडिक्ट हो तो उसकी वजह से भी आपका सेक्स करने का डिज़ायर कम हो जाता है अभी हम लोग कॉमनेस्ट कॉज पे आते जो कि साइकोलॉजिकल है नाइन्टी फाइव परसेंट लोगों में ये कारण पाया गया है लॉस ऑफ लिबिडो का मानो अभी का जो हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत कम हुआ है लोगों का सब लोग करियर ओरिएंटेड हो गए हैं लाइफ का स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया है तो लेट नाइट सोना है लेट मॉर्निंग उठना है या फिर टाइम पे खाना नहीं एक्सरसाइज नहीं या फिर नाइट शिफ्ट करते बहुत सारे लोग तो उसकी वजह से फिजिकली मेंटली पूरा एग्जॉस्ट हो जाते और सेक्स नहीं कर पाते या उनको सेक्स करने की इच्छा नहीं होती या फिर आप आपके पार्टनर के साथ उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते तो उसकी वजह से भी आपको सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है या फिर जो प्रोलॉन्ग इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स रहते जो कि उनको टाइम इंटरकोर्स करने को बोलते हम लोग ओविलेशन के वक्त तो उनका वो जो लव का फीलिंग रहता है वो पूरा निकल जाता है क्योंकि उनको वो मैकेनिकल लगने लगने लगता है सेक्स करना तो जब भी डॉक्टर बोलते हैं उनको सेक्स करो तो उस वक्त वो उतना मेंटली इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन प्रेगनेंसी होना है इसलिए वो फिजिकली सेक्स करने का ट्राई करते और उनका भी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाता है तो फ्रेंड्स ये जो आपका लॉस ऑफ लिबिडो है या डिक्रीज डिज़ायर ऑफ सेक्स है उसके लिए ट्रीटमेंट क्या रहेगी मेनली आपका जो रूट कॉज है उसको आप पहले आइडेंटिफाई करो और उसको करेक्ट करने का ट्राई करो मानो फिजिकल है अगर आप बहुत ज़्यादा अंडरवेट है तो आप थोड़ा वेट बढ़ाओ या आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो आप आपका वेट कम करो दूसरा आपके पार्टनर की रिक्वायरमेंट क्या है वो आप थोड़ा सा समझो एक दूसरे को टाइम दे दो थोड़े टाइम के लिए बाहर निकलो सैटरडे संडे बाहर निकलो एक दूसरे को टाइम दे दो आपके बिजी शेड्यूल में ताकि आपको सेक्स करने का आ, इच्छा बढ़ेगा आपकी सेक्स करने की आप आपके पार्टनर को समझने का ट्राई करो साइकोलॉजिकल जो कॉज है जो कॉमनिस्ट पाया गया है उसमें काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है बोध पार्टनर को हम लोग काउंसलिंग करते हैं एज अ गाइनाकोलॉजिस्ट या फिर आप कोई अच्छे साइकेट्रिस्ट को मिलो अलग से सेक्शुअलॉजिस्ट आते हैं उनको जाके आप मिलो उनसे आप आपका प्रॉब्लम डिस्कस करो और उसका सोल्यूशन भी ट्राई करो आप सेक्स का डिज़ायर क्यों नहीं हो रहा है आपका उसके लिए अभी आप पूछेंगे कि उसके लिए कोई दवाई है क्या मेडिकेशन है क्या मार्केट में बहुत सारे प्रिपरेशन अवेलेबल है फ्रेंड्स लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी वर्कआउट नहीं होता है तो एस सच सेक्शुअल डिजायर बढ़ने के लिए कोई भी इफेक्टिव दवाई नहीं है आपको आपका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है आपके पार्टनर के साथ आप बात करो एक दूसरे की रिक्वायरमेंट क्या है वो समझ के ले लो दवाई कौन सी चीज़ों में काम करती मानो आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है मानो आपका प्रोलैक्टिन बढ़ के है तो आप उसकी दवाई ले लो आपको डायबिटीज़ है तो आप उसका ट्रीटमेंट करो आपको थाइराइड है आप उसका ट्रीटमेंट करो आप अगर कोई एंटी साइकोटिक या एंटी डिप्रेसेंट ले रहे बहुत टाइम के लिए तो उसको बंद करो आप अगर एडिक्टेड हो स्मोकिंग है या अल्कोहल है वो अगर आप रेगुलरली सेवन कर रहे हो तो उसको बंद करो तो उस की वजह से आपका लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा आपका जो सेक्सुअल लाइफ है सेक्स करने की इच्छा आपकी बढ़ जाएंगी तो फ्रेंड्स अपना जो आज का वीडियो है कि लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर या फिर लॉस ऑफ लिबिडो वो क्यों होता है उसके क्या क्या कारण हैं और उसके लिए क्या क्या इलाज पॉसिबल है वो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो हम लोगों को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो धन्यवाद